वेलकम एवरीवन। इंटीग्रल कैलकुलस में हम बीटा और गामा फंक्शन को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका काफ़ी कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गामा के अंदर, जिसका नाम है गामा फलन का द्विगुणन सूत्र। तो द्विगुणन सूत्र या इसका नाम है डबल मल्टीपल फार्मूला। डबल मल्टीपल फार्मूला या इसी का एक और नाम है डुप्लीकेशन फार्मूला। तो किसी भी तरह से आपको लिखा हुआ मिले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है गामा फंक्शन के अंदर, जो रिज़ल्ट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है और जो हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं गामा के अंदर, उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है इसके अंदर। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज कि क्या होता है द्विगुणन सूत्र और किस तरह से हमको इसको याद करना है और किस तरह से क्वेश्चंस के अंदर इसको अप्लाई करना है। उसके अलावा जो इसके कंसेप्ट हैं गामा के और बीटा के, वो सारे कंसेप्ट हम इंटीग्रल कैलकुलस का, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक है ये और बीएससी फर्स्ट ईयर के काफ़ी टॉपिक्स जो हैं, काफ़ी यूनिट जो अपलोड हो चुकी हैं, तो वो आपको पढ़नी है। आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए या एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो डबल मल्टीप्लिकेशन फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। तो जो फार्मूला है वो है गामा एम प्लस 1/2। अब ये एम अलग है और 1/2 अलग है, ये ध्यान रखें। और इसका जो रिज़ल्ट होता है, इसका मान होता है, वो होता है अंडर रूट पाई अपॉन 2^2m-1 और γ2m। तो इस तरह का ये रिज़ल्ट है। आपको पहली बात तो ये फार्मूला तो याद ही रखना है। इसका प्रूफ है, जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं उनके लिए इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो प्रूफ भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी इसके क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन के लिए, और वो हर तरह से ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये तो है डबल मल्टीपल फार्मूला या डुप्लीकेशन फार्मूला, जिसमें आपको याद रखना है कि γm + γm + 1/2। इस टाइप से अगर हम गामा के अंदर किसी भी नंबर को इस फॉर्म में चेंज कर सकें या इसमें और इसमें चेंज कर सकें, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई अपॉन 2^2m-1 इंटू γ2m। अब जो है ये फार्मूला है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे, तो आप समझ सकते हैं इसको कि ये हमको प्रूफ करना है कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। हमको प्रूफ करना है कि इसका आंसर जो आएगा वो अंडर रूट पाई इंटू 2^1/3 आएगा। तो इस फॉर्मूले से इजीली हमको दिख रहा है कि ये जो ये वाला फॉर्म है, हम इस डुप्लीकेशन फार्मूले में रख के और इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 1/3 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये 5/6 हमको मिल जाएगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम कि पुट m इक्वल टू 1/3 इन डबल मल्टीपल फॉर्मूला, किसी भी तरह लिख सकते हैं, दोनों तीनों नाम हैं इसके, कि जो गामा फलन का द्विगुणन सूत्र है उसमें हम m का मान 1/3 रख देंगे। तो वो 1/3 वैल्यू पुट करने के बाद जो हमको रिज़ल्ट मिलेगा, वो रिज़ल्ट यहाँ पे देखो कि γ1/3 और ये γ1/3 + 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट पाई अपॉन 2^2m, m का मान है यहाँ पे 1/3 और -1 और γ2m, 2 और m की वैल्यू है 1/3। सॉल्व करेंगे इसको और, तो यहाँ पे देखो ये तो बनेगा γ1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा यहाँ पे γ5/6। इसमें मान रखेंगे या सॉल्व करेंगे इसको तो ये अंडर रूट पाई ही रहेगा,
ये 2/3 में से माइनस वन करेंगे, 2/3 माइनस वन, तो ये 2 की पावर माइनस 1/3 आएगी और ये आएगा गामा 2/3। इस तरह सॉल्व हो गया ये। इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा गामा 1/3 गामा 5/6 अपॉन गामा 2/3। और इसमें हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये अंडर रूट पाई है और यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1/3 है, ये माइनस 1/3 एक बार चाहो तो लिख सकते हो इसको ऐसे कैसे, माइनस 1/3, और इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट पाई इंटू 2 की पावर 1/3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका राइट हैंड साइड ये प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस्ड प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से जो अगर क्वेश्चन कोई ये तो प्रूफ करने वाला था तो हमको यहाँ पे इसके दोनों ही पार्ट दिख गए। अब हम ये तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, हमने इसके जो और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हुए हैं बीटा और गामा पे, जिसमें हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में लास्ट में रिजल्ट में कुछ फॉर्म बन जाता है इस तरीके का कि जिसमें हम डबल मल्टीपल फार्मूला यूज़ कर सकें। तो इसके बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो पढ़ सकते हैं। एक और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और देखेंगे हम। देखो तो डबल मल्टीप्लिकेशन फार्मूले पे ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गामा 1/3 है, उसका स्क्वायर है अपॉन गामा 1/6 और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी अंडर रूट पाई 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/2। जितनी भी आपको बुक्स मिलेंगी ग्रेजुएशन लेवल की लगभग सब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे अब इसको, क्योंकि इसके अंदर मान है। अब हमको वो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमको डबल मल्टीप्लिकेशन फार्मूले में अप्लाई क्या करना है जिससे कि हमको ये रिज़ल्ट मिल जाए। तो देखो क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं किस तरह से कि सॉल्यूशन इसका हम लिखेंगे कि वी नो दैट। सबसे पहले हम डबल मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि गामा एम प्लस 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट पाई अपॉन 2^2m-1 इंटू गामा 2m। तो पहले हम डबल मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लिखेंगे जिसका यूज़ हमको करना है, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पुट m इक्वल टू 1/6। अब ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस क्वेश्चन का प्रूफ लिखेंगे तो आपको m की जगह जो अप्लाई करनी है वैल्यू वो करनी है 1/6। इसमें हम मान रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास गामा 1/6। इसमें हम मान रखेंगे तो ये 1/6 प्लस 1/2, और यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2 इंटू एम की मान है, m का मान है 1/6 और माइनस 1 इंटू गामा 2m, m की जगह 1/6। इस तरह मान रख देंगे, सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा यहाँ पे गामा 1/6, और इसको सॉल्व करेंगे इसका एलशियम लेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 3+1 ये 4/6 आएगा, 4/6 को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 2/3 इस तरह से। और इसकी वैल्यूज हम चेक करते हैं तो ये आएगा गा अंडर रूट पाई अपॉन ये 1/3 बचेगा, यहाँ पे इसको पावर को सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा 2 से 6 तो 3 टाइम, तो ये बनेगा यहाँ पे 1/3 माइनस 1 इस तरह से। तो 2 की पावर आएगी ये माइनस का 2/3, ये 1/3 एंड 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/3, ठीक ये आ गया। लेकिन यहाँ पे ये गामा 1/3 का स्क्वायर है, तो अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 2/3 और इक्वल टू
अंडर रूट पाई भी आप चाहो तो यहाँ लेके आ सकते हो कि अंडर रूट पाई को भी हम इधर ले आते हैं। गामा गामा वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हम उधर अप्लाई कर देंगे। तो गामा 1/3 अपौन गामा 1/6 इंटू गामा 2/3 ये वैल्यूज़ आ गई। लेकिन यहाँ पे जैसे हमको प्रूफ करना है कि गामा 1/3 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1/3 से गामा 1/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। ये 1/3 मल्टीप्लाई में और 1/3 डिवाइड में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये बनेगी गामा 1/3 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो आंसर आएगा इसका, यहाँ पे ये आया 1/6, 1/3 और 2/3, तो सबको लिखेंगे गामा 1/6 और इधर आएगा ये गामा 1/3 और इस गामा 2/3 बचा उसका हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। 2/3 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/3, क्योंकि एक और कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है इस आंसर को निकालने के लिए। क्योंकि आंसर में देखो 1/3 है, 1/6 है, तो इसको तो हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में पहले से हैं जो रिज़ल्ट हमको चाहिए। उसके अलावा ये 2/3 और ये एक्स्ट्रा 1/2 ये हमको नहीं चाहिए था, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे कोई और रिज़ल्ट अप्लाई हो सके। तो हम 1/3 को ऐसे कैसे रहने देंगे और 2/3 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/3। और यहाँ से हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी देखो 2 की पावर -2/3 अपॉन अंडर रूट पाई। और यहाँ पे ये 1/3 का स्क्वायर है तो इसको तो हमको ऐसे ही रखना है, गामा 1/3 का स्क्वायर अपॉन गामा 1/6। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है गामा एन, गामा 1 - n की वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई। ये वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं एन की जगह जो वैल्यू है वो है 1/3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन साइन पाई 3। एन की जगह 1/3 है, पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 साइन 1/3 पाई बाई थ्री। तो साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू हम जानते हैं। देखो यहाँ से और सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू आएगी गामा वन बाई थ्री का स्क्वायर अपॉन गामा 1/6। ये पाई का पाई रहने देंगे और ये वैल्यू होती है ये साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की √3/2 वैल्यू होती है, तो ये हो गया √3 और 2। अब जो वैल्यूज़ हमको चाहिए वो एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो LHS में इसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, बाकी सारी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं देखो, हमको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में गामा 1/3 का स्क्वायर, तो इसको रखते हैं गामा 1/3 का स्क्वायर। और एक वैल्यू चाहिए हमको गामा 1/6, तो सिर्फ इतना रखते हैं, बाकी सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पाई इधर आएगा, उधर पहले से 2 की पावर -2/3 है और ये 2 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इसके अपॉन में आएगा। यहाँ पे एक बार और लिख सकते थे इसको कि ये गामा 1/3 का स्क्वायर है और इनटू 2 और इनटू क्या हो गया √3 जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पे 2π इनटू गामा 1/6। आप देख सकते हैं यहाँ से कि इस तरह से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 जाएगा इसके साथ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 इधर आ जाएगा, तो 2 तो इसके साथ, तो ये 2 की पावर 1 है तो बस इसको इस तरह लिख देंगे। और यहाँ पे पाई भी जाएगा इसके साथ ऊपर, तो ये पाई और गामा 1/6 को हमने इधर ही रखा है, उधर से ये √3/2 आएगा इसके अपॉन में, तो यहाँ से ये √3 ये आएगा इसके अपॉन में। ये 2 की पावर एक -2/3 है और एक +1 है, यानी कि माइनस यहाँ से दिख रहा है
माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, तो ये वन बाई थ्री बनेगी टोटल पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर बनेगी यहाँ से, और ये पाई, और इसमें एक अंडर रूट पाई और था अपॉन में, तो यहाँ से ये अंडर रूट पाई इंटू टू की पावर वन बाई थ्री, और यहाँ बचेगा ये, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होगी अंडर रूट पाई से, अंडर रूट पाई से कैंसिल होगा, यहाँ पे अंडर रूट पाई बचेगा। ये दोनों घात सॉल्व की तो घात आएगी वन बाई थ्री, और ये अंडर रूट थ्री और बचेगा अपॉन में, जिसको हम इस वाले फॉर्म में ही लिखेंगे, तो थ्री की पावर वन बाई टू, अंडर रूट को लिख सकते हैं वन बाई टू पावर, और ये इसका राइट हैंड साइड है जो यहाँ पे हमने लिख दिया कि राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जिसका आप प्रूफ देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो ये जो डबल मल्टीपल फार्मूला है या डुप्लीकेशन फार्मूला है, उसके ऊपर ये एक दो क्वेश्चन ही हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके अलावा कुछ और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं अगर फार्मूला ये यूज़ होगा तो वहाँ पे देख सकते हैं इस फार्मूले को। अदरवाइज़ ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सॉल्व हो गए। उसके अलावा जो बीटा गामा फंक्शन के बहुत सारे काफ़ी और भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग फार्मूलाज पे और अलग अलग कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं, तो उनका भी अलग से वीडियो है, वो आप बीटा गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो पे अपना फीडबैक और लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।